हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी का। ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इनका क्राइटेरिया अलग है। अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी होगी तो आपको मिली होगी हिंदी ए। इसी तरह से अगर आपने 10th तक हिंदी पढ़ी होगी तो आपको मिलेगी हिंदी बी। और अगर आपने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी हो तो आपको मिली होगी हिंदी सी। अब हिंदी हिंदी में ये लिखा हुआ हो सकता है हिंदी क, ख, ग, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। अब देखो, ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपने डीयू में किसी भी यूजी कोर्स में, प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लिया है, और एसएलयू की बात करें तो अगर आपने बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और उसके अंदर अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और 2022 से क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, तो इसमें जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम ये हिंदी के जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने एसएलयू में एडमिशन लिया, रेगुलर में एडमिशन लिया या फिर एनसीवीएम में एडमिशन लिया है, सभी के लिए सेम सिलेबस होने वाला है। तो पहले हम हिंदी ए का सिलेबस देखेंगे, फिर हिंदी बी का सिलेबस देखेंगे और फिर हिंदी सी। तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस हम इसी एक वीडियो में देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे पहले हिंदी ए या हिंदी क की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं भाषा और साहित्य। ठीक है, तो ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी थी, उन सभी को हिंदी क पढ़नी होगी। अब यहाँ पे कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स लर्निंग आउटकम दिया हुआ है। कोर्स ऑब्जेक्टिव का मतलब है क्या क्या टीचर्स को आपको सिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी का को विकसित करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का परिचय देना, यानी कि तीनों लेवल्स पे हिंदी का क्या भी लेवल है। इसके अलावा विशिष्ट कविताओं का अध्ययन, विश्लेषण के माध्यम से कविता संबंधी समझ विकसित करना, यानी किसी कविता को किस तरह से समझा जाता है वो जो समझ है उसको विकसित किया जाएगा। इसमें आउटकम क्या होगा, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या क्या आप समझ चुके होंगे, क्या क्या आप सीख चुके होंगे। हिंदी साहित्य और भाषा के विकास की स्पष्ट समझ विकसित होगी, यानी कि किस तरह से हिंदी साहित्य और उसकी भाषा, हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो आप समझ पाएंगे। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा की जानकारी प्राप्त होगी, यानी कि इन तीनों लेवल पे हिंदी की क्या अभी क्या स्थिति है वो आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 4 यूनिट्स आपको पढ़नी है। उन 4 यूनिट्स को, सिंपल यूनिट्स को ख़त्म करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी का वो आप समाप्त कर लेंगे। जो यूनिट 1 है यानी इकाई 1 है, इसमें 2 पार्ट हैं आपके। एक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यानी किस तरह से हिंदी भाषा का स्टार्ट हुई है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, तो ये 2 टॉपिक्स जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि जो हिंदी लिटरेचर है उसका जो इतिहास है वो आपको पढ़ना है। पार्ट 1 में आपको आदिकाल और मध्यकाल का सामान्य परिचय है, और पार्ट 2 में आपको आधुनिक काल का सामान्य परिचय है। फिर यूनिट 3 आपका, इसमें कुछ लिटरेचर आपको दिया हुआ है। पहला है संत काव्य संग्रह, जिसमें परशुराम चतुर्वेदी की एक किताब है, ठीक है, किताब महल, इसको आपको पढ़ना है। इसमें संत रैदास जी के पद है, कौन कौन से पद पढ़ने हैं, पद नंबर 1, 4 और 19, ये 3 पद आपको पढ़ने हैं। इसके बाद भूषण के कुछ पद पढ़ने हैं, जिसमें भूषण ग्रंथावली से ये पढ़ने हैं आपको, और इसमें पद नंबर 409, 411 और 412, ये कविता संख्या है, ये आपको पढ़नी है। फिर है बिहारी का मतलब ये नहीं कि जो बिहारी स्टेट्स हैं, बिहारी एक कवि का नाम है। इनमें आपको इनके कुछ दोहे पढ़ने हैं, दोहा नंबर 1, 10, 13 और 32। और यूनिट 4 में आपको आधुनिक हिंदी कविताएं पढ़ना है, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी की बेटी की विदाई, जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री तुंग श्रृंग से और नागार्जुन के बादलों को घिरते देखा है, ये 3 कविताएं आपको पढ़नी है। तो ये आपका बेसिक 4 यूनिट हो गए। ये 4 यूनिट आप ख़त्म कर लेंगे तो ये आपका ये जो हिंदी ए का सब्जेक्ट है ये समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए कुछ यहाँ पे रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं कि कौन कौन से बुक्स आपको रेफ़र करनी है इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। पहले तो है रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, और डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये इनको आपको सारी बुक पढ़नी नहीं होती, आप इनको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। इन ये तीनों लगभग एक ही तरह की बुक है, और ये आप कहें तो ये जो 4th और 5th बुक है ये भी लगभग इतिहास के बारे में ही बुक्स हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक बुक भी आपको मिल जाए तो उसमें काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी ख की। हिंदी ख किन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, और इनका सब्जेक्ट का नाम भी हिंदी भाषा और साहित्य है। तीनों हिंदी ए बी सी या हिंदी क ख ग, तीनों का नाम ही हिंदी भाषा और साहित्य है, लेकिन ए उनको पढ़ने जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है, बी या ख उनको पढ़ने जिन्होंने 10th तक पढ़ी है, और सी या ग उनको पढ़ने जिन्होंने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स ये लगभग सेम से ही है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी 4 यूनिट है, यूनिट 1 की बात करें तो इसमें भी लगभग सेम चीज़ें ही हैं, लेकिन थोड़ा लाइटर नोट पे है। जैसे हिंदी भाषा और साहित्य क्या होता है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का परिचय, और इसके बाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना था, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ना है।
यूनिट टू में आपको पढ़ना भक्तिकालीन कविता, जिसमें कबीर कबीर की कबीर ग्रंथावली पढ़नी है, और इसमें आपको साखी का जो गुरुदेव का अंग है, इसमें आपको पद संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 33 और 34 ये पढ़ना है। इसके बाद तुलसीदास की रामचरित मानस जो है उसमें आपको कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ना है। यूनिट थ्री की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त की नर हो ना निराश हो, ये कविता आपको पढ़नी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर आपको पढ़नी है, और केदारनाथ अग्रवाल की धूप, ये तीन कविताएं आपको पढ़नी है। और यूनिट चार में आपकी आधुनिक कविताएं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की बालिका का परिचय और निराला की तोड़ती पत्थर, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे सेम ही है। अब किस तरह से होगा वो आपका सिलेबस के दौरान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये चार सिंपल यूनिट्स आपको कवर करनी है, और इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स यहाँ पे दी हुई है। रेफरेंस बुक जनरली जो सेम होती है, जो हिंदी ए में है वही हिंदी बी में होगी, और लगभग वही हिंदी सी में होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, वही सारी बुक्स जो है यहाँ पे मैंसन की जाती हैं। अब लास्ट में हम हिंदी ग का देख लेते हैं, यानी हिंदी सी, ये हिंदी भाषा और साहित्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8th क्लास में जिसने पढ़ी है उसको हिंदी सी या हिंदी ग मिला होगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स लगभग सेम ही है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यूनिट वन की बात करें तो इसमें आपको बेसिक बताया गया हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में, कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी कविता का विकास जिसमें आदिकाल मध्यकाल, फिर उसमें हिंदी कविता में आधुनिक काल, तो इनकी सामान्य विशेषता है। यूनिट टू की बात करें तो इसमें कबीर के लिए पद संख्या 19, 20, 21, 22 और 23 ये आपको पढ़ना है, और सूरदास में ये आपको एक कविता दी हुई है, ये कविता आपको कवर करनी है। यूनिट थ्री की बात करें तो इसमें कवि बिहारी की यहाँ पे ये कविताएं दी हुई हैं तीन, ये तीन आपको कवर करनी है, और घनानंद की यहाँ पे दो दी हुई हैं, ये दोनों आपको कवर करनी है। यूनिट फोर में आपको आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत आह धरती कितना देती है ये, और सर्वेश्वर दयाल सस्तान के लीक पर वे चले, तो ये सारी जो कविताएं हैं वो आपको कवर करनी है हिंदी ग के अंदर। और इसमें रेफरेंस बुक की बात करें तो लगभग रेफरेंस बुक वही दी हुई है, बस यहाँ पे एक एक तुलसी काव्य के लिए मीमांसा जो है वो अलग से दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं, और एक बिहारी के ऊपर अलग से बुक दी हुई है। तो इनमें से कोई भी एक बुक ले लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगी। कबीर के ऊपर एक बुक दी हुई है, तो ये आपकी रेफरेंस बुक्स है। ये हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी, या कहें हिंदी क, ख और ग, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।